हाय गर्ल्स एंड गाइस, वेलकम टू माय चैनल एलएफटी एश। और मैं आज आया हूँ वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्लेस, सबसे बेस्ट ट्रेल पे, और इस ट्रेल को कहते हैं कैबिट ट्रेल। और ये है नोवा स्कोशिया कनाडा में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना सुंदर और सीनिक व्यू है। इस साइड में आपको ओशन और ये हिल साइड है, और ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। तो अगर आप कभी भी नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड या फिर न्यू ब्रंसविक के आसपास हैं, तो आप इस जगह पे ज़रूर आइए। मेरे हिसाब से तो ये बहुत सुंदर ट्रेल है, लगभग 150 से 200 किलोमीटर की ट्रेल है, और डेफिनेटली पैसा वसूल वाली बात होती है भाई। इधर आने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या मज़े है। और जो मैं आज आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी ट्रेल का टूर कराऊंगा और आपको शो करूंगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हो। हम बोन फायर करेंगे, टाइम मिला और अगर जगह मिली तो कुछ कुकिंग करेंगे किसी नदी के किनारे, और कैंप फायर, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे अगर जगह मिलती है तो और टाइम रहता है तो। वैसे रात 8 बजे होती है। और मेरे कितना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है। अभी मैं इस साइड से आया हूँ और मैं अभी इस साइड जा रहा हूँ, तो मैं बीच बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाता रहूँगा ताकि आप भी मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कर देना अपने फ्रेंड्स को। तो चलते हैं आगे। तो हमारे ट्रैवल स्टार्ट हुआ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से, जो कि कॉन्फिगरेशन ब्रिज से होते हुए हम पहुंचे पहले न्यू ब्रंसविक, एंड न्यू ब्रंसविक के बाद हमने एंट्री की नोवा स्कोशिया। जी हाँ, ये जो जगह है कैबिट ट्रेल, ये है नोवा स्कोशिया में, जो कि कनाडा में पड़ता है और ये बिल्कुल एटलांटिक ओशन के पास है। आप जैसे ही केप ब्रिटेन एंटर करते हो तो आपका ये जो रोमांचक सफर है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ट्रेल है इसकी पूरी लेंथ है 298 किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें आप ड्राइविंग, बाइसाइकिलिंग, ट्रैकिंग सारी चीज़ें कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी आगे। और ये है यहाँ का सबसे पहला व्यू पॉइंट। स्काईलाइन पे, और स्काईलाइन एक ऐसी ट्रेल है यहाँ पे बहुत डिफरेंट, जहाँ पे आपको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अगर लक हुआ तो हमें मिलेगी, अदरवाइज इट्स ओके। बहुत सुंदर ट्रेल है, बहुत लोगों ने इसके बारे में बहुत तारीफ करी है। हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें किसी ने बताया कि आपको इधर जाना चाहिए, हम उधर जा रहे हैं और मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या क्या। तो ये है स्काईलाइन ट्रेल, और आप देख सकते हो बहुत एडवेंचरस लग रही है मेरे को। और मैंने बाहर ऐसे बोर्ड्स देखे थे कि बहुत सारे मतलब वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे दिख सकते हैं, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ दिख जाए। अब तक तो मुझे कुछ दिखा नहीं है, बट जो वॉक अब तक करी है मैंने उसे पूरा इन्जॉय करा है। और आगे का व्यू देखने जा रहे हैं, आगे हमें क्या क्या चीज़ें दिख सकती हैं।
तो बस एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा है क्योंकि जो ट्रेल्स होती हैं, ट्रेल ख़त्म जहाँ पे होती है, डेफिनेटली वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा व्यू पॉइंट होता है, तो हम जा रहे हैं उस व्यू पॉइंट को देखने। भाई बहुत मज़ा आ रहा है इस ट्रेल पे चल करके, और फाइनली मेरे को थोड़ा सा व्यू मिला है पीछे की साइड का। मैं भी आपको व्यू दिखाता हूँ थोड़ी देर में। भाई थोड़ा सा चलना पड़ता है बट ठीक है, मज़ा आता है और पैसा वसूल वाला काम लगता है। इतनी सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं, नेचर, ब्यूटी और सनसेट, बड़ा ही प्यारा वाला सनसेट होता है जैसा मैंने आपको दिखाया पीछे। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र और आसमान बिल्कुल मिले हुए हैं आपस में, बड़ा ही प्यारा व्यू है। तो वहीं जा रहे हैं अभी पैदल चलते हुए, थोड़ा सा दूर है पर चलता है, इतनी दूर तो हम लोगों को वॉक करना ही पड़ता है कुछ अच्छी चीज़ पाने के लिए। फाइनली पहुंच गए हैं, मेन व्यू पॉइंट है जो इस सारी ट्रेल का, तो हम चल रहे हैं इस बोर्ड वॉक से। देख सकते हो कितना सुंदर है, बाकी की तो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। कुछ एक्सपेक्टेड था कि कुछ एनिमल्स दिखेंगे यहाँ पे बट नहीं दिखे, बट अच्छा कुछ चिड़िया तो दिख गई। चल रहे हैं यहाँ पे बैक साइड को, बहुत अच्छा सा एक व्यू है तो मैं वो दिखाता हूँ आपको, तब तक चलते हैं। पहुंच गए जहाँ पे आना था, 7.5 किलोमीटर की ट्रेल है और 3.5 और 4 किलोमीटर के बीच में ये पूरा ब्यूटीफुल जो पॉइंट आप देख रहे हो ये देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट के लिए 3.5 किलोमीटर चलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देख सकते हो यार, ये हेवन है, ये जो कहते हैं धरती पे हेवन है तो सच्ची में कनाडा में हेवन है सारी चीज़ें। और भाई स्पीचलेस हूँ मैं अभी, बहुत मज़ा आया मेरे को चल करके और मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, सो इट्स वर्थ इट। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे कैबी ट्रेल के अंदर स्काई लाइन की, तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो मेरी वीडियो को। चलते हैं थोड़ा मज़ा लेते हैं सनसेट का, तब तक। Thank you.
तो अब सनसेट हो चुका है तो हमारा यहाँ से निकलने का टाइम भी हो चुका है। पर जैसे ही हम गेट पे पहुँचे वहाँ पे एक फीमेल मूज मिल गई जो कि अपने बच्चे के साथ थी और वो थोड़ी सी एग्रेसिव थी। कैसे कैसे करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंदों ने हमें वहाँ से निकाला रात अंधेरे के टाइम में, और उसके बाद हम अपने हॉस्टल पहुँचे। हम लोग हॉस्टल में आ गए अपने, और ये यहाँ का मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी है। मैं हॉस्टल में इसलिए रुकता हूँ आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई चिल होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। देखो जैसे मेरे को बारबेक्यू मिला है, अभी हम लोग कैंप फायर करेंगे यहाँ पे, और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे। होटल में जो चीज़ आपको अवेलेबल नहीं होती वो कर सकते हो। बस ये होता है, आपको थोड़ी चीज़ें शेयर करनी पड़ती है, वॉशरूम शेयर करना पड़ता है, रूम शेयर करना पड़ता है। बट मैं नहीं मानता वो चीज़ की इतनी बुरी होती है। फ्रेंड्स, बोन फायर के मज़े लिए जा रहे हैं। हॉस्टल के साथ ही मेरे को बहुत अच्छी जगह मिली बोन फायर करने के लिए। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं बट भाई इसका भी मज़ा लेना ज़रूरी है। फॉरेस्ट के अंदर बैठ करके बोन फायर हो, चिकन हो और थोड़ी और सारी चीज़ें हो तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं बस उसको इन्जॉय कर रहा हूँ, साथ में आप भी इन्जॉय कीजिए। नेक्स्ट टाइम जितनी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी हो सकता है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ मैं आपको। होप्सो आप भी इंजॉय करते हुए इस चीज़ को। तो रात हो गई है, थोड़ा खाते हैं पीते हैं और सोते हैं। बाय, गुड नाइट। सुबह दिखाता हूँ आपको नई चीज़, नया नज़ारा। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह और हम हो गए हैं बहुत लेट, पर फिर भी मैं आपको चलो अपने हॉस्टल का टूर कराता हूँ। ये हमारा हॉस्टल है कैबिट ट्रेल हॉस्टल। ये पार्किंग एरिया है और पार्किंग एरिया में आपको कोई गाड़ी या फिर कोई खड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि हम लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आने के बाद आपको रिसेप्शन एरिया मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा कोजी है, और रिसेप्शन एरिया के जस्ट बगल में ही आपको कॉमन एरिया मिलेगा जहाँ पे आपको गेम जोन, डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल के बैक साइड को आपको यहाँ पे ये है किचन एरिया जहाँ पे आप अपने मर्जी का खाना बना सकते हैं। और जब इससे बाहर निकलोगे तो आपको मिलेगा एक ओपन डेक काइंड ऑफ जगह जहाँ पे रात को हम लोग कर रहे थे बोन फायर, और ये है वो एरिया जो ओपन एरिया है यहाँ पे। एंड ये पार्किंग एरिया है, ये मेन रोड ही है कैबिट ट्रेल की, और ये है ग्रिलर जहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हो। सबके लिए ओपन है, कोई भी बना सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे मैप्स लगे हुए हैं, लीफलेट्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप इस एरिया की एक्चुअल जानकारी अगर आपको चाहिए और आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको रूम्स के टाइप दिखा देता हूँ। एक रूम है जिसमें दो डोरमेट्री और एक बड़ा वाला बेड है, ऊपर सिंगल डोरमेट्री है। एक रूम है जिसमें आपको पूरा प्राइवेट रूम, प्राइवेट बाथरूम मिल जाता है, और इन लोगों की यूज़ करने के लिए अलग से एक किचन बनाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से निकलने के बाद आप दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिक्स डोरमेट्री मिल जाता है जहाँ पे 8 से 10 बेड लगे हुए हैं, और बहुत ही नीट एंड क्लीन हॉस्टल है ये। आप देख सकते हो हमारा, ये मेरे ओनर थी यहाँ की, और ये जो जगह है यहाँ पे आप देखिए बाथरूम पूरा नीट एंड क्लीन है, और क्योंकि उन्होंने खुद इसको टेक केयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं इसको। थोड़ा सा मैसी हो रखा है यहाँ पे क्योंकि अभी ये बेड चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बेड्स थे। और ये था हमारा हॉस्टल कैबिट ट्रेल हॉस्टल, जिसको आप booking.com पे जाकर बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे के ट्रैवल के लिए। जहाँ से आप खड़े होकर के सील्स और वेल का व्यू देख सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं बोर्ड्स लगे हुए हैं, और ये बोर्ड में बताया गया है कि यहाँ पे आप अगर खड़े हो रहे हो तो यहाँ से जो नीचे का व्यू है वहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी वेल्स, अगर आप लकी हुए तो बहुत सारी वेल्स नज़र आती हैं यहाँ पे। और आप अगर मेरे पीछे वहाँ पे बीच भी है, बीच पे जा करके अगर आप बैठते हो तो वहाँ पे आपको सील देखने को मिल सकती है। तो वाकई में ये जो जगह है सच में सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है वर्ल्ड की, और जैसा कि हम इंजॉय कर ही रहे हैं
आप भी हमारे साथ एंजॉय करते रहिए। सो आफ्टर 48 किलोमीटर्स की ड्राइव के बाद एक और बहुत प्यारा सा व्यू मिला है जो देखने में बहुत अमेजिंग है। इसे कहते हैं वाइट पॉइंट, कैपिटल हिल पे ही है। 40 मिनट्स की ड्राइव करी हमने अपने होटल से, होटल के बाद और मैं पहुंच गया हूँ इस खूबसूरत जगह। आप देख सकते हो यहाँ पे रॉक्स हैं और मेरे ख्याल से यहाँ वाइट रॉक्स ज़्यादा हैं तो इसलिए इस जगह को वाइट पॉइंट बोलते हैं आई थिंक सो। यहाँ मेरे पीछे आप एक पहाड़ देख रहे हो, इसके ऊपर जा कर के ट्रेल है एक, उसके ऊपर जा कर के वो आप जैसे देख रहे हो वहाँ वो वाइट पॉइंट है जहाँ से आपको एक अलग सा व्यू मिलता है। बट मेरे को यहीं से मिल रहा है, मैं ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। और मेरे पीछे देख सकते हो या आप इस साइड में ये बीच है, यहाँ पे लोग नॉर्मली यहाँ पे स्विमिंग करते हैं और चिल मारते हैं। एंड नाउ टाइम टू गो नेक्स्ट पॉइंट जो कि ग्रीन कोव है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो लगी ना आपको ये भी ब्यूटीफुल जगह, तो इसी तरीके की बहुत सारी ट्रेल्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आपके पास अगर टाइम है तो आप आराम से जा सकते हो ट्रैकिंग करके। और जैसे हम आगे बढ़े हमें एक मिला द स्पे फॉल्ट, जहाँ पे आपको वो एक्चुअल में है कुछ और दिखता किसी और तरीके से है। और अब टाइम हो चुका है वाटरफॉल पर जाने का, तो हम चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं फॉल पे, ट्रेल की जो फॉल है और देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा और मज़ेदार वॉकिंग। हम जा रहे हैं एंजॉय करने फॉल को, मैं नहाने जा रहा हूँ, ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा, बट कोशिश है तो एक बार जाने के बाद ठीक हो जाएगा। कोशिश करेंगे ऊपर से, अच्छा अगर डीप होगा तो ऊपर से दम भी मारेंगे। बट यहाँ पे लिखा हुआ है दम करना अलाउड नहीं है, मतलब आप अपने बेस पे करना है आपको, तो भी भाई करके देखते हैं।
पे हमारा सफ़र का तो ख़त्म होता है हैवी ट्रेल का। बहुत सारी जगह यहाँ पे और भी हैं, बट मेरे पे इतना टाइम नहीं है तो मेरे को वापस जाना है। तो इस कॉल के बाद नहाना भी हो गया और कूदना भी हो गया, तो चलते हैं वापस घर की तरफ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।